friends so today we will start class 11th biology chapter 5 part 4 okay so students we have already studied about, about uh, root stem leaves inflorescence and all that so uh, today we will start seed okay तो सीड में अपन सबसे पहले देखेंगे वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट ओब्यूल कन्वर्ट्स इनटू सीड एंड ओवरी कन्वर्ट्स इनटू फ्रूट ओके इट मींस आफ्टर फर्टिलाइजेशन या ऐसे कह सकते हैं अपन इट मींस अ फर्टिलाइज्ड ओब्यूल डेवलप्स इनटू सीड या मैच्योर ओव्यूल को ही अपन सीड कहते हैं ओके अ सीड कंटेन टू पार्ट्स ओके अ सीड कोट एंड एन एम्ब्रियो मीन्स कि जो सीड है उसके टू पार्ट्स होते हैं या उसके टू कंटेंट्स होते हैं अपन ऐसा कह सकते हैं सीड कोट एंड एम्ब्रियो सीड्स कुड बी ऑफ टू टाइप्स मीन्स सीड टू टाइप के हो सकते हैं कौन कौन से मोनोकोट एंड डाइकोट कई बार अपन रिपीट कर चुके हैं है ना इन चीजों को एनजियोस्पमिक प्लांट से लेकर अभी तक मोनोकोट मीन्स सिंगल कॉर्टिलिडोन्स प्रजेंट होता है इनको अपन बोलते हैं मोनोकोट सीड्स इसके लिए अपन बेस्ट एग्जाम्पल ले सकते हैं ग्रास फैमिली का ग्रास फैमिली में जो कॉटिलिडोन्स का नेम होता है वो स्क्यूटेलम बोलते हैं उसको अपन कॉटिलिडोन्स को क्या बोलते हैं ग्रास फैमिली में लम इसका स्ट्रक्चर हमने यहां पर बनाया हुआ है कि अपन ने ये देखा है कि ये है कैसा मोनोकोड सीट का डायग्राम मैंने यहां पर शो कर रखा है आपको इसमें जो लेयर ये वाली लेयर होती है यहां पर आपको शो हो रही है ना इसको अपन बोलते हैं एल्यूरोन लेयर और जो आउटर लेयर होती है ये होती है पेरिकारिया सीट कोट भी जिसको कहते हैं नेक्स्ट आता है अपना यहां पर ये तो मैंने बात कर ली किसकी लेयर की ओके okay, तो इसका स्ट्रक्चर अपन यहाँ पर देख रहे हैं वी हैव सीन दैट एनजस्पमिक प्लांट में फ्रूट्स एंड सीड की फॉर्मेशन हो रही है हमें मालूम है सेम टाइम में एंडोस्पर्म की भी फॉर्मेशन होती है क्यों क्योंकि इसमें जो एनजस्पमिक प्लांट होते हैं उनमें कैसा फर्टिलाइजेशन होता है डबल फर्टिलाइजेशन होता है और डबल फर्टिलाइजेशन होता है तो सेम टाइम में ही किसकी फॉर्मेशन होती है एंड्रोस्पम की फॉर्मेशन होती है और ये एंड्रोस्पम किस टाइप का होता है ट्रिप्लॉइड टाइप का होता है इसका फंक्शन क्या होता है इसका मेन फंक्शन होता है एंड्रोस्पम का कि ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है किसको एम्ब्रियो को ओके अब अपन देखें ये प्लू है इसमें यहाँ पर मैंने ये देखिए ये प्लूम्यूल बोलते हैं अपन इसको यहाँ पर पहले भी मैं कई बार आपको इस डायग्राम को शो कर चुकी हूँ और यहाँ पर रेडिकल होता है ठीक है ना ये। तो ये तो फ्यूचर शूट है और ये फ्यूचर रूट है ये चीज भी अपन कई बार डिस्कस कर चुके हैं अब इन दोनों को प्रोटेक्शन देने के लिए एक कहना चाहिए अपने को कंटिन्यूस शीत प्रेजेंट होती है या कहना चाहिए अपने को कि द लेयर ऑफ सीत दैट एंड क्लोजेज द प्लूम्यूल दैट इज कॉल्ड कॉलियप्टाइल मीन्स कि जो सीत जो कंटिन्यू चल रही है ना जो प्लूम्यूल को कवर करके रखती है सिंपल सी लैंग्वेज में बोलूँ मैं तो उसको अपन बोलते हैं यहाँ पर कॉलियोप्टाइल और जो रेडिकल को आ, कहना चाहिए कवर करके रखती है या प्रोटेक्शन देती है उसको अपन बोलते हैं कॉलियोराइजा ओके तो इट मीन्स ये दोनों को प्रोटेक्शन देना इसका फंक्शन होता है तो स्टूडेंट्स ये तो अपन ने मोनोकोट सीट का स्ट्रक्चर डिस्कस किया नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डाइकोट सीट अब देखें अपन अकॉर्डिंग टू डायग्राम यहाँ पर डाइको सीट में इसका क्या फंक्शन है सबसे पहले तो इन इनकोटिलिडोन्स का स्टोरेज ऑफ फूड एक फंक्शन यहाँ पर यह भी होता है ठीक है ना अब अपन ने देखा कि रेडिकल से पहले रेडिकल कहाँ पर प्रेजेंट होता है हमेशा ऑलवेज नीचे साइड में तो क्योंकि ये फ्यूचर रूट है तो रेडिकल से पहले यहाँ पर अपने को एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर या रीजन दिख रहा है अपने इट इज कॉल्ड हाइपो हाइपोकोटाइल बोलते हैं इसको अपन ये मैंने यहाँ पर लिख रखा है यहाँ पर सेम ऐसे ही अपन देखें हाइपोकोटाइल रेडिकल हैज ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अगेन एंड इट इज कॉल्ड रूट कैप बिकॉज ये रेडिकल जो होता है वो फ्यूचर रूट होता है आगे जाकर रूट में डेवलप हो जाता है तो इसके टिप पर या एपेक्स पर जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है इट इज कॉल्ड रूट कैप अपने को कहना चाहिए कि जो प्लूम्यूल और या एपिकोटाइल जैसे मैंने यहाँ पर कहा ना आपको कि रेडिकल से पहले एक जो है सिलिंड्रिकल रीजन अपने को शो रहा है इसको अपन ने हाइपोकोटाइल बोला नेक्स्ट अपन यहाँ पर देख रहे हैं कि क्ल्यूम्यूज से पहले यहाँ पर एक वैसे ही सेम स्ट्रक्चर शो रहा है जिसको अपन बोलते हैं एपिकोटाइल तो इन दोनों के एंड के नेम भी अलग अलग हैं रेडिकल एंड हाइपोकोटाइल वाला रीजन जो होता है या एंड होता है इसको अपन बोलते हैं माइक्रोपाइलर रीजन ऐसे ही जो प्ल्यूम्यूल है और एपिकोटाइल है इसका जो रीजन होता है इसके साइड वाले रीजन को या एंड को अपन चैलेजल एंड कहते हैं नाउ स्टूडेंट्स इधर हमने किसको डिस्कस किया डॉड सीड को अब अपन ये देखेंगे कि सीड की फॉर्मेशन कैसे हुई आफ्टर फर्टिलाइजेशन इसका क्या रिजल्ट होता है तो रिजल्ट तो सीड ही होगा क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बाद ओब्यूल किस में कन्वर्ट हो जाता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड में कन्वर्ट हो जाता है इफ अकॉर्डिंग टू डायग्राम अपन ओवीयूल को देखें तो वेरी फर्स्ट ओव्यूल कुड बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स फॉर एग्जाम्पल अपन यहाँ पर ले सकते हैं इन्वर्टेड हॉश शू शेप्ड 90 डिग्री का एंगल भी बना सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अपियरेंस ओव्यूज को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डालते हैं फॉर एग्जाम्पल एनाट्रोपस ऑर्थ्रोट्रोपस हेमीट्रोपस एम्फोट्रोपस दीज आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओव्यूज ये आपकी बुक में तो नहीं है वैसे बट ये जो अपनी एन इससे अपन थोड़ा सा अलग हट कर देखें या हाई स्टैंडर्ड की या रेफरेंस बुक्स में अपन देखें तो उनमें अपने को ये चीज़ देखने को मिल जाएगी सो वेस्ट ऑन देयर स्ट्रक्चर पोजीशन किस टाइप की है किसकी माइक्रोपाइलर एंड की चैलेंजल एंड की इन ऑल कंडीशंस के बेस पर ओव्यूल को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है इनमें से मेन इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ ओव्यूल है एनाट्रोपस जिसको अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड इन्वर्टेड ओव्यूल वी नो दैट ओव्यूल ही सीड में कन्वर्ट हो जाता है जानते हैं अपन ऑलरेडी बट इनकी फॉर्मेशन कैसे होगी ये देख लें अकॉर्डिंग टू डायग्राम मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है जैसे मैंने यहाँ पर स्टिग्मा बना ये पूरा किसका है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है तो यहाँ पर अपन ने देख रखा है कि ये जो स्टिग्मा है इस पर जैसे ही पोलन ग्रेन आता है इसमें पोर प्रेजेंट होता है जिसके थ्रू एक पोलन ट्यूब जनरेट हो जाती है और वो कहाँ जाकर ओपन होती है ओव्यूल में जाकर ओपन होती है ये आउट साइड की ये ओवरी होती है इसके अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होता है और ये पोलन ट्यूब यहाँ तक आकर जनरेट हो जाती है और इस पोर के थ्रू कहाँ एंटर कर जाते हैं पोलन ट्यूब में से पोलन ग्रेन मेल गैमेट्स इस ओव्यूल में एंटर कर जाते हैं ये चीज अपन कई बार पढ़ चुके हैं है ना इसलिए अपने को एनजोस्पमिक प्लांट में अपन ने बहुत काफ़ी बार इसको डिस्कस कर लिया है तो ओव्यूल कन्वर्ट्स इनटू सीड ये जो इनर और आउटर इंटेगोमेंट है इसको अब मैंने थोड़ा सा यहाँ एनलार्ज करके यहाँ ले लिया है ये अपनी बुक में शायद होगा या नहीं भी हो सकता है तो ट्वेल्थ की बुक में आपको ये मिल जाएगा डायग्राम तो अपन यहाँ पर देखें तो इसमें जो है ये अपने को थ्री लेयर्स दिख रही हैं यहाँ पर एक तो ये आउटर इंटेगोमेंट होता है और दूसरा इनर इंटेगोमेंट होता है ये आउटर इनर इंटेगोमेंट क्या है तो अपन इसको देखते हैं जो कहना चाहिए अपने को कि ये इसको जो आउटर इंटेगोमेंट होता है ये कन्वर्ट हो जाता है आउटर सीड कोट में सीड कोट होता है ना अपन ने एक चीज़ यहाँ पर पढ़ी थी कि ओवरी और ओव्यूल के बीच में जो ये स्पेस होता है जो ये चीज प्रेजेंट होती है ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन जब सीड मैच्योर होता है तो ये सीड कोट में कन्वर्ट हो जाती है ठीक है तो जो इसमें ही जो आउटर और इंटर इंटेगोमेंट है ये सीड कोट में कन्वर्ट हो जाते हैं आउटर सीड कोट और इनर सीड कोट में तो जो आउटर सीड कोट होता है इट इज कॉल्ड टेस्टा ठीक वैसे ही अपन देखें तो इनर इंटेगोमेंट जो है इनर सीड कोट में कन्वर्ट हो जाता है दिस इज कॉल्ड टैगमैन ओके सो स्टूडेंट्स दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट सीट कोर्ट की फॉर्मेशन इंटेगुमेंट से होती है मतलब कभी भी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इस तरह से आ जाए कि सीट कोट uh, जो होता है उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है तो अपना आंसर uh, क्या होगा इंटेगुमेंट से होती है अब यदि आपसे इनर और आउटर पूछें नेम पूछें तो वो बात अलग है वह तब अपन नेम अलग अलग मेंशन करेंगे ठीक है ना अब यहाँ पर जो एक स्टाइल लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर शो हो रही है ये स्ट्रक्चर क्या है इट इज़ कॉल्ड फ्यूनिकल ये जो स्पेसिफिक रीजन है दिस इज कॉल्ड हाइलम इधर एक हाइलम होता है प्रेजेंट और इस हाइलम का फंक्शन क्या होता है ये पूरे ओव्यूल को प्लेसेंटा के साथ फ्यूनिकल से कनेक्ट करके रखता है ठीक है ना अपन कोई सीड का यहाँ पर एग्जांपल ले लें तो जिस स्मॉल स्ट्रक्चर से कनेक्ट होते हैं इट इज़ कॉल्ड स्कार जैसे मैं यहाँ पर एक मटर का पोर्ड लूँ पी पोर्ड मतलब मटर की जो फली होती है वो अपन ने यहाँ पर ले ली यहाँ पर मैं उसके सीड से कनेक्टेड हो रहा है छोटे छोटी छुट स्ट्रक्चर से इट इज़ कॉल्ड स्कार ओके या स्कार को ये अपन हाई कहते हैं स्कार क्या होता है ये स्कार ओव्यूल और ओवरी के बीच जंक्शन की तरह वर्क करता है है ना सो so, हियर हम एनाट्रोपस टाइप के ओव्यूल की बात कर रहे थे है ना नाव जो सीड्स बनते हैं वो एंडोस्पर्मस भी हो सकते हैं और नॉन एंडोस्पर्मस टाइप के भी हो सकते हैं सो so, स्टूडेंट्स जो मोनोटाइप, मोनोकोट टाइप है या डाइकोट टाइप के बोथ टाइप के सीड कैसे हो सकते हैं एंडोस्पर्मस और नॉन एंडोस्पर्मस बोथ टाइप के हो सकते हैं एंडोस्पर्मस मीन्स एल्यूमिनस है ना एल्बुमिनस मीन्स एंडोस्पर्मस कुछ भी कह सकते हैं अपन मीन्स एक ऐसा स्पेशलाइज टिश्यू मतलब कैसा एंडोस्पर्म को अपन ने क्या बोला एक ऐसा टिश्यू होता है जो क्या करता है नरिशमेंट प्रोवाइड करता है जब अपन ने मैंने आपको एंडोस्पर्म पढ़ाया था उस टाइम पर बताया भी था कि एंडोस्पर्म का फंक्शन क्या होता है ये एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है अब इसका अपन एग्जाम्पल लें तो डाइकोट में अपन ग्राम को ले सकते हैं जो कैसे होते हैं नॉन एंडोस्पर्मस होते हैं अपने को कहाँ उसमें एंडोस्पर्म दिख रहा है एंड इसमें ही अपन डाइकोट में ही एंडोस्पर्मस का एग्जाम्पल लें तो अपन कैस्टर का एग्ज़ाम्पल यहाँ पर ले सकते हैं सेम ऐसे ही मोनोकोट में जो एंडोस्पर्मस में अपन एग्ज़ाम्पल लें तो मेज सीड इन सभी का अपन एग्जाम्पल यहाँ पर ले सकते हैं और नॉन एंडोस्पर्मस में ऑर्किड का एग्जाम अपन एग्ज़ाम्पल अपन यहाँ पर ले सकते हैं ठीक है अब अपने को यह पता है कि एंडोस्पर्मस मीन एल्बुमिनस और नॉन एंडोस्पर्मस मीन नॉन एल्बुमिनस अब इसके साथ ही एक चीज और रिमेंबर अपने को रखनी है दैट वेन अनफेवरेबल कंडीशंस में क्या होता है सीड्स ड्राई होने लगते हैं मतलब उनकी डेथ होने लगती है मरने लगते हैं कहना चाहिए बेकार हो जाते हैं और जर्मिनेट भी नहीं हो पाते क्यों जर्मिनेशन के लिए इनको ऑक्सीजन की और वाटर की नीड होती है टेम्परेचर भी इनको प्रॉपर चाहिए और इंटरनली अपन देखें तो हारमोन्स भी जो होते हैं हारमोन्स जितने भी होते हैं वो भी इनको प्रॉपर क्वान्टिटी में अवेलेबल होना चाहिए अब ये कंडीशन इनको यदि अवेलेबल नहीं होती तो ये इनएक्टिव स्टेज में चले जाते हैं इनएक्टिव स्टेज मीन्स जो सीड्स हैं वो अपने आप को मतलब खराब होने से बचाने के लिए ये कहना चाहिए अपने को कि मतलब उनकी डेथ नहीं हो इससे बचाने के लिए वो डोरमेंसी स्टेज में चले जाते हैं डोरमेंसी फेज कहते हैं अपन जिसको वैन गॉड फेवरेबल कंडीशंस ये जर्मिनेट जर्मिनेशन के लिए एक्टिव हो जाते हैं मतलब जब भी इनको फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी ये वापस जर्मिनेशन के लिए एक्टिव हो जाते हैं तो ये तो बात हुई स्टूडेंट्स अपनी यहाँ तक सीड की जिसमें अपन ने देखा मोनोकोट डाइकोट मोनोकोट डाइकोट में भी अपन ने नॉन एंडोस्पर्मस और एंडोस्पर्मस इसमें भी अपन ने किस टाइप के एनाट्रोपस टाइप के स्पेशली ओव्यूल की यहाँ पर स्टडी की सो स्टूडेंट्स नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फ्रूट ओके बेसिकली क्या होता है बेसिकली अपने को मालूम है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है जैसे अपन ने ओबीय को पढ़ा था कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड में कन्वर्ट हो जाता है सेम वैसे ही ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है और जो फ्रूट की बॉल होती है उसको अपन पेरिकार्प कहते हैं ऐसे मैंने यहाँ पर भी शो कर रखी है अब जो मैंने यहाँ पर मैंगो का यहाँ पर एग्जाम्पल ले, ले रखा है इसके लिए और कोकोनट का भी इन दोनों के साथ ही अपन इसको देखेंगे तो फ्रूट की बॉल को अपन ने मैंने क्या बोला इट इज कॉल्ड पेरिकार्प जो फ्रूट की लेयर होती है पेरिकार्प ये थ्री पार्ट्स में डिफ्रेंशिएट हो जाती होती है कहना चाहिए अपने को एपिकार्प विच इज आउटर मोस्ट मीजोकार्प विच इज मिडिल वन एंडोकार्प विच इज इनर मोस्ट इट मीन्स जिसमें आउटर मोस्ट होती है जिसको अपन बोलते हैं एपिकार्प इनर मोस्ट को बोलते हैं या मिडिल वन को बोलते हैं अपन मीजोकार्प एंड एंड कहना चाहिए अपने को इनर मोस्ट होती है उसको अपन बोलते हैं एंडोकार्प ओके मैंगो मैं मैंने ले रखा है अब आप कहेंगे मैम हम जब मैंगो खाते हैं तो उसमें जो एडिबल पार्ट होता है वो कौन सी लेयर है तो जो मैंगो का एडिबल पार्ट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं कौन सी लेयर तो ले होती है वो मीज़ोकार्प जो लेयर होती है वो एडिबल पार्ट होता है मैंगो का ओके और भी अपन बहुत डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स यहाँ पर ले सकते हैं जैसे फ्लैशी हैं मीन्स जूशी होते हैं जैसे पोमिंग ग्रेनेट का एग्जाम्पल ले सकते हैं अपन उसके लिए ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं उनमें भी ले सकते हैं अपन ड्राई में कौन कौन से इंडेसिकेट और डेसिकेट टाइप के इंडेसिकेट में भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कैरियोप्सिस जिसमें एग्जाम्पल अपन ग्रेन्स का ले सकते हैं नट्स में अपन जिनकी हार्ड होती है पेरी उसका अपन एग्जाम्पल ले सकते हैं अब अपन ने कैरी ऑप्शिस मीन्स क्या होता है जो फ्रूट की बॉल होती है और सीड कोट होता है उन वो आपस में फ्यूज हो जाते हैं इट इज़ कॉल्ड इन डेसिकेट और डेसिकेट में अपन ने लिया था लेग्यूम वाले जितने भी सीड्स होते हैं उनको अपन ले, ले लेते हैं किसमें डेसिकेट टाइप के फ्रूट सीड्स में नेक्स्ट टाइप आता है अपना एग्रीगेट एग्रीगेट मीन्स एपोकार्पस एपोकार्पस मीन्स मैंने एक नाम लिया मीन्स जो ओवरी होती है वो पॉलीकार्पिलरी होती है जैसे अपन स्ट्रॉबेरी में देखें तो अपने को कट करेंगे स्ट्रॉबेरी अपने को दिख जाते हैं बहुत सारे कंपार्टमेंट होते हैं उसमें बेरीज में देखें तो कस्टर्ड एप्पल का एग्जाम्पल ले सकते हैं अपन ड्रूप में देखें तो मैंगो का एग्जाम्पल ले सकते हैं अपन यहाँ पर ऐसे ही एक और टाइप होता है फ्रूट्स का यहाँ पर देखें तो अपन कंपोजिट कंपोजिट टाइप मीन्स कंप्लीट इन फ्लोरेसेंस कंप्लीट इन्फ्लुएंसेंस मीन्स वो कम्प्लीटली फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है इन्फ्लोएसेंस जो ठीक है ना अब अपन ने देखा लॉट ऑफ और भी एग्जाम्पल्स हैं फ्रूट्स में वी कैन टेक इट बट स्पेसली जो होता है जो मतलब स्पेसिफिक फी कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो एग्ज़ाम में आते हैं वो हैं यहाँ पर अपन ले सकते हैं कैरियोप्सिस जिसको मैंने बताया ग्रेन के रिस्पेक्ट में मोनिको मोनोकोटिलीडॉन्स के लिए नाउ नावेरी में अपन मैंने आपको नाम लिया कस्टर्ड एप्पल का ड्रूप में मैंगो को भी ले सकते हैं कंपोजिट में अपन पाइन को ले सकते हैं अब अपन को मालूम है अपने को कि फ्रूट में जो है ओवरी कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाती सो so, स्टूडेंट्स जो राइपन ओवरी को ही अपन क्या कहते हैं फ्रूट कहते हैं कह सकते हैं अपन उसको मतलब ऐसे फ्रूट्स जो ओवरी से ही डेवलप होते हैं किसमें फ्रूट में कन्वर्ट होते हैं ऐसे फ्रूट्स को अपन ट्रू फ्रूट्स कहते हैं एंड अदर पार्ट जो फ्रूट से डेवलप होते हैं मतलब अदर पार्ट से जो फ्रूट डेवलप होते हैं दैट इज कॉल्ड फॉल्स फ्रूट अदर देन इसके एक और नेम आता है पार्थेनोकार्पी मीन्स फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स इस फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स मीन्स विदाउट फर्टिलाइजेशन फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन एग्जाम्पल मैं यहाँ ले सकती हूँ बनाना का ओके okay, स्टूडेंट्स तो यहाँ तक अपना कंप्लीट हुआ किसका सीड एंड फ्रूट्स का सो स्टूडेंट्स लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज प्लांट फैमिलीज एंड फ्लोरल फार्मूला कैसे बनेगा वो भी अपन यहाँ देख लेते हैं सो वेरी फर्स्ट वी विल टेक सिम्बल्स सिंबल ले अपने यहाँ पर जैसे सिमेट्री है सिमेट्री में मैंने आपने सिमेट्री का नेम जानते हो मुझे बार बार डिटेल बताने की जरूरत नहीं है तो यहाँ यदि मैंने परसेंटेज का अपन ने फॉर्मूले में सिंबल लिया है इट मीन्स कैसा है जाइगोमॉर्फिक जाइगोमॉर्फिक मीन्स कि मतलब किसी एक ही एक्सिस से अपन उसको इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं ठीक है ना अभी मैंने यहाँ पर इस तरह का सिंबल फ्लोरल फार्मूला में अपन ने यूज़ किया है इसका इट मीन्स एक्टिनोमॉर्फिक है एक्टिनोमॉर्फिक मीन्स किसी भी एक्सिस से उसको अपन टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं यहाँ पर नेक्स्ट अब मैंने सिंबल लिए हैं ये किसका है मेल का है ये फीमेल का है और ये बाइसेक्शुअल फ्लावर है ओके जब भी अपन इस तरह के सिंबल रखेंगे ये अपने को मालूम है ऑलरेडी बी आर मीन्स ब्रैकटेड ब्रैकटेड मीन्स रिड्यूस ब्रैकटेड प्रजेंट ब्रेक प्रजेंट होता है और लीप के बेस पर ई ब्रैकटेड मीन्स कि जिसमें रिड्यूस ब्रैक्ट जो होता है वो एबसेंट होता है लीप के बेस पर नेक्स्ट आ जाता है के के मीन्स कैलेक्स कैलेक्स मैंने यहाँ पर टू टाइप से लिख रखा है आप कहेंगे मैंने यहाँ पर इसको ब्रैकेट में भी लिख रखा है और बिना ब्रैकेट के विदाउट ब्रैकेट भी लिख रखा है तो यदि मैंने ब्रैकेट लगाया है किसी फ्लोरल फार्मूला में इट मीन्स यहाँ पर जो कैलेक्स हैं वो कैसे फ्यूज है और ब्रैकेट नहीं लगाया इट मीन्स फ्री हैं कोरोला को अपन सी से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ भी वही यह सेम सिचुएशन आएगी कि अपन ये ब्रैकेट लगाया इट मीन्स फ्यूज है और ब्रैकेट नहीं लगाया इसमी इट मींस ये फ्री है ओके और यदि इसमें इस तरह का आता है अपने को अरेंजमेंट वन प्लस टू प्लस टू और वो भी टू किस ना कैसे ब्रैकेट में तो ये मीन्स बेगजिलरी टाइप का है ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसमें एक स्टैंडर्ड विंग स्टैंडर्ड विंग पेटल्स होता है टू विंग्स होते हैं और टू इसमें कैसे होते हैं कील बोलते हैं अपन इसको है ना जो फ्यूज होता है अब अपन टू होती हैं किल इसमें बट वो फ्यूज होती है इसलिए अपन इसमें ब्रैकेट लगा देते हैं एंड्रोशियम एंड्रोशियम में भी मैंने यहाँ वही कंडीशन है, है ए से रिप्रेजेंट करते हैं और वही ब्रैकेट है तो फ्यूज ब्रैकेट नहीं है तो फ्री अब एक सिचुएशन और है यदि ये बंडल्स में प्रेजेंट हैं इफ इफ टू बंडल्स में प्रेजेंट हैं तो इट मीन्स कितने टेन स्टेम्स हैं टोटल तो लाइक दिस अपन इसको लिख सकते हैं ए नाइन प्लस वन नाइन पर मैंने ब्रैकेट लगा रखा है इट मीन नाइन तो स्टेमन इसमें फ्यूज है प्लस वन इसमें फ्री होता है अब क्या होता है कई बार स्टूडेंट्स इसको कैसे भी लिख देते हैं ए, टू बंडल्स में प्रजेंट है तो फाइव प्लस फाइव कर देते हैं सेवन प्लस थ्री कर देते हैं तो एक ट्रिक अपन ने यहाँ पर ले लेते हैं और उसको इस तरह से यहाँ पर लिख देते हैं ठीक है नेक्स्ट अब आता है अपना गाइनोशियम गाइनोशियम में अपन आता है ओवरी ओवरी मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब मैं इस तरह से कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करेंगे और नीचे यदि मैं उसके नीचे लाइन डालती हूँ तो इट मीनस कैसी है? सुपीरियर ओवरी है और ऊपर लाइन आती है इट मीनस ये इनफीरियर ओवरी है और यदि यहाँ पर जितनी भी मतलब अपन नंबर लिखा होता है टू लिखा होता है तो बाई कारपिलरी थ्री लिखा है तो ट्राई कार्पिलरी फ्यूज है तो ब्रैकेट लगा है फ्री है तो ब्रैकेट नहीं लगा होगा ठीक है ना एक पी और सिंबल अपने को वहां पर मिलता है कई जगह फ्लोरल फॉर्मूलाज में इसको अपन बोलते हैं पेरियंथ इसको अपन ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है पेरियंथ मीन्स जो टेपल्स टेपल्स मीन्स सेपल्स और पेटल्स जब फ्यूज होते हैं आपस में तो अपन पी जैसे सिक्स हैं तो थ्री प्लस थ्री एट हैं तो पी पी फोर प्लस फोर इस तरह से अपन उनको रिप्रेजेंट कर देते हैं नेक्स्ट है स्टेमस प्लस कोरोला मतलब एपीपेटेल मीनस कैसा होता है जब स्टेमन और कोरोला जब आपस में फ्यूज हो, फ्यूज होंगे तो अपन उसको सी और ए के ऊपर अपन एक जैसे ओवर ब्रिज जैसा बना देते हैं मतलब ये एपीपेटेल है ठीक है ना और यदि एपी सेपेलस होगा तो सेपल्स फ्यूज होंगे मतलब स्टेमन के साथ तो उस सिचुएशन में अपन क्या करेंगे सी के और पी के बीच में ओवर ब्रिज वाली सिचुएशन यहाँ भी अप्लाई कर देंगे नेक्स्ट आती है अपनी अब फैमिलीज को देख लेते हैं अपन यहाँ पर अपने एन में अकॉर्डिंग टू एन देखें तो फेवेसी सोलनेसी और लीलेसी तीन फैमिलीज़ हैं बट करंट ईयर के लिए ये फेवेसी को डिलीट कर दिया है बट अपन इसको स्टडी कर लेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें यहाँ पर आगे काम आएगी अपने फेवेसी मीन्स इसमें जितनी भी पलसेज होती हैं या ग्राम का अपन एग्जाम्पल ले सकते हैं जितने भी एडिबल ऑयल हैं इस तरह के जितने भी प्लांट होते हैं वो किस में आते हैं फेवेसी फैमिली में आते हैं इंक्लूडेड हैं ऐसा कहना चाहिए इसका फ्लोरल फार्मूला देख लेते हैं देखो फर्स्ट अपना आया यहाँ पर ये यह परसेंटेज का सिंबल इट मीन ये कैसा है जाइगोमॉर्फिक है बाई है कैलेक्सिस में कैसा है फ्यूज्ड है फाइव है बट फ्यूज्ड है जो जो अपन देखें कोरोला कैसे है वन प्लस टू प्लस टू कैसा है फ्यूज्ड है टू तो वही अपनी मतलब इसमें एस्टिवेशन किस टाइप का है टाइप का एस्टिमेशन है ना ये चीज़ अभी मैंने ऊपर आपको डिस्कस की थी ये एंडोशियम नाइन प्लस वन मीन्स टू बंडल्स में प्रेजेंट है तो अपन ने उसको सिचुएशन ऐसी लिखना यहाँ पर डिसाइड uh, किया था ओवरी इसमें देखें अपन तो जी और नीचे कैसा है नीचे लाइन आई है एट मीन्स कैसी है ये सुपीरियर टाइप की ओवरी प्रेजेंट होती है किन में फेवेसी फैमिली में नेक्स्ट अपन लेते हैं सोलेनेसी फैमिली सोलेनेसी फैमिली में आते हैं पोटेटो फैमिली इसका एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं चिली टोबैको ये सब इसमें आ जाते हैं अब इसमें अपन ने देखा मैंने देखिए ये किसका सिंबल है एक्टिनोमॉर्फिक का मीन्स जो सिमेट्री होती है मैं मीन्स किसी भी एक्सिस से टू इक्वल हाफ में अपन इनको डिवाइड कर सकते हैं बाईसेक्सुअल है कैलिक्स फाइव है बट फ्यूज हैं अब इसमें न्यू सिचुएशन आ गई जो अपन ने यहाँ डिस्कस की थी देखिए ये मतलब इसमें जो कैसे हैं ये एपीपेटलस है तो जो कोरोला है और एंडोशियम है दोनों फाइव हैं कोरोला मतलब ये आपस में फ्यूज हैं और जो सुपीरियर ओवरी है और बाई है ठीक है लिली का एग्जांपल अपन देखें तो लिली फैमिली आती है इसमें ट्यूलिप अपन ले सकते हैं इसका एग्जाम्पल फ्लोरल फार्मूला देखेंगे अपन यहाँ पर तो ब्रैक्टेड है ब्रैकटेड में मैंने क्या बताया था आपको रिड्यूस ब्रैक्ट प्रेजेंट होता है लीफ के बेस पर छोटी सी स्ट्रक्चर होती है एक्टिनोमॉर्फिक है प्लांट अब इसमें देखें फ्लार और ये बाइसेक्शुअल है इसमें और पेटल्स थ्री प्लस थ्री का अरेंजमेंट है इनमें और एंडोशियम में अपन देखें तो थ्री प्लस थ्री का यहाँ भी अरेंजमेंट है और जो ओबरी है वो भी सुपीरियर और ट्राई टाइप की है सो स्टूडेंट्स यहाँ अपना ये चैप्टर अब कम्प्लीट हो गया है ये तीनों अपन ने फैमिलीज को भी डिस्कस कर लिया है और डाइकोड मोनोकोड सीड फ्रूट्स फ्रूट्स के टाइप बहुत सारे टाइप के फ्रूट्स के अपन लॉट ऑफ एग्जांपल्स यहाँ पर ले सकते हैं आप चाहें तो इसके अलावा जैसे मैंने तीन फैमिली के फ्लोरल फॉर्मूले आपको यहाँ पर शो किए ना यदि आपको ये सिंबल्स लर्न है तो आप किसी भी फ्लावर को अपने घर में लगे हुए हैं जो फ्लावर को निकाल कर आप उसके पेटल्स सेपल्स ओवरी की सिचुएशन ये सब आप देखेंगे ना तो उस हिसाब से आप उसका भी फ्लोरल फार्मूला अपने आप बना लेंगे और उसके बेस पर आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो फ्लावर किस फैमिली का है ओके सो स्टूडेंट्स यहाँ अपना ये जो है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोर फ्लावरिंग प्लांट्स का ये अपना लास्ट पार्ट था जो कम्प्लीट हो गया है इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू दिस चैप्टर प्लीज़ लीव अ कॉमेंट इन माई कॉमेंट बॉक्स थैंक यू